फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंडे को आपकी दो वर्कशीट्स आती हैं, तो आज भी आपकी दो आई हैं, 25A एंड 25B। तो 25A जो है वो आपकी हिंदी की है, 25B जो है वो आपकी EVS की है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की काय पत्रिका में आपको एक निर्णय करना है। नीचे तो नीचे लिखी बातों को ध्यान से पढ़िए और फैसला कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या निर्णय लेना है। सुनो टीवी, अब मैं बच्चों का मनपसंद दोस्त बन गया हूँ। टीवी, हाँ बस जब तक ये बीमारी है तब तक मैं तो उनका हमेशा से ही मनपसंद दोस्त हूँ। फ़ोन, पढ़ाई हो या मनोरंजन, मैं दोनों काम करता हूँ। टीवी, मुझ में तो सब कुछ बड़ा दिखता है, समझा छुटकू से फ़ोन। अब देखिए यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि फ़ोन और टीवी आपस में बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं। फ़ोन बोलता है कि भाई टीवी तुम्हारा अब कोई वैल्यू नहीं है, बच्चे मुझे पसंद करते हैं। तो टीवी बोलते हैं नहीं नहीं भाई, फ़ोन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, बस जब तक क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, वर्कशीट्स करनी है बच्चों को, तब तक ही ये तुम्हें देख रहे हैं, इसके बाद तो फिर मैं ही बच्चों का फेवरेट हूँ और मुझ में सब बड़ा बड़ा दिखता है, तुम तो छुटकू से हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, तो फ़ोन बोलता है तुम कुछ भी कहो पर अब तो मैं ही बच्चों का सच्चा दोस्त हूँ। ठीक है, तो किताब बोलती है एक सच्ची बात कहूँ, सच्चा और अच्छा दोस्त तो वह है जिसके पास ज्ञान का खजाना है। बिना बिजली या किसी अन्य खर्च के बच्चों को नई नई और अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और सदा साथ रहता है। तो किताब ने तो बिल्कुल ठीक बात कही कि भाई इंसान का दोस्त तो वो है ना जो इंसान की लाइफ को बनाए, इंसान की लाइफ को बर्बाद करे, वो इंसान का दोस्त कहाँ हो सकता है भाई। वो तो दुश्मन हुआ कि उसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, है ना। तो यानी हमारा सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त जो है वो कौन है, किताब है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी खर्चे की ज़रूरत नहीं होती। बुक्स हमें मिल जाती हैं स्कूल से या मार्केट से या पापा ने ला दी और फिर वो हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, है ना। जबकि मोबाइल में क्या है, आज रिचार्ज कराओ, आज इंटरनेट ख़त्म हो गया, आज वाईफाई चलना ही रहा, है ना। टीवी का भी यही हाल है, रिचार्ज कराइए, चैनल नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क ख़राब है ना। तो अब देखिए यहाँ लिखा है आपको क्वेश्चन, बच्चों अब आप चुनिए कि आपने सच्चा और अच्छा जो दोस्त है वो आपका कौन है। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है वो किताब है, कभी मुझसे लड़ाई नहीं लड़ती है, जब भी मैं अकेली होती हूँ मेरा साथ देती है, है ना। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छी दोस्त मेरी किताब है। अब आप लिख लीजिए जो आपको पसंद हो। आगे लिखा है बच्चों नीचे दिए गए चित्र को देख कर बताइए कि कौन सी आदतें अच्छी हैं और कौन सी आदतें जो हैं वो बुरी हैं। ठीक है, अच्छी आदतों पे सही का निशान लगाना है और बुरी आदतों पे आपको गलत का निशान लगाना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए कूड़ा फैलाना, तो कूड़ा फैलाना अच्छी आदत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गंदी आदत है। मिलकर रहना बहुत अच्छी आदत है, हमेशा मिलकर रहना चाहिए। पौधे लगाना बिल्कुल ठीक बात है, हमें पौधे लगाना चाहिए, लेकिन लड़ाई करना बहुत गंदी बात है। अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो चोट लग जाएगी हमारे, है ना। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको आगे कहानी लिखी गई है। तो बच्चों आपको काय पत्रिका मज़ेदार लगी ना, अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने नया सीखा कि हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए, हमने सीखा हमारा बेस्ट फ्रेंड जो है वो बुक्स हैं, फ़ोन या टीवी, ये सब ठीक है, थोड़ी देर एंटरटेनमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जब आप बड़े हो जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि मैम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं मोबाइल वगैरह जो है सिर्फ काम के टाइम पे ही चलाती हूँ, टीवी तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है, कुछ करना है ना। अभी आप छोटे हैं, आपको लगता है कि मैम हम तो टीवी देखना पसंद है ना। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए लिखा है आओ बातचीत करें। तो लिखा है प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है कि इस चित्र में जो दो व्यक्ति हैं वो किस बारे में बात कर रहे होंगे। चलिए ज़रा देखते हैं। तो देखिए ऐसा लग रहा है ये मम्मा है, ये इनकी बेटी हैं, है ना, हो सकता है, और इनके हाथ में बहुत सारी ज्वेलरी है। तो यहाँ पे कोई भी संवाद हो सकता है, हो सकता है कह रही हो मम्मा कितनी सुंदर ज्वेलरी है, ये बोल रही हूँ हाँ बेटा, है ना। या हो सकता है कह रही हो देखो मैं तुम्हें ज्वेलरी दिखाती हूँ, कहती हूँ वाह मम्मा कितने ढेर सारे गहने हैं, है ना।
तो कुछ भी हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, हम एक अच्छा सा संवाद लिख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे पास इससे अच्छा संवाद है तो आप वो है लिख लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मम्मा कह रही हैं ये देखो मेरे गहने, ठीक है। तो मम्मा ने क्या बोला, ये देखो मेरे गहने, ठीक है। अब बेटी क्या बोलेगी, वाह माँ ये तो बहुत सुंदर हैं, है ना। अच्छा कर लेंगे आप, वाह माँ ये तो बहुत सुंदर हैं। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।